नदी से जुड़ा ये जंगल करीब 5.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया। अमेज़न एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है फीमेल वेरियर, या यू कहे के लड़ाकू महिला। ये जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ 9 देशों में फैला हुआ है, जो दक्षिण अमेरिका खंड में स्थित है। इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राजील में पड़ता है, 12% पेरू में, 10% कोलंबिया में, और बाकी बचे जंगल का विविध भाग कई अन्य देशों में बटा हुआ है। इस जंगल में 400 अरब से भी ज्यादा वृक्ष है और 17,000 से भी ज्यादा विविध प्रजातियां पाई जाती है। आज पृथ्वी के वातावरण में पूरे 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से मिलता है, और साथ ही यहाँ पर 400 से ज्यादा आदम जनजातियां रहती है जिनका हमारी बाहरी दुनिया के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पर उनकी गिनती नहीं हो पाई है। मूल जंगल के लोग आज भी आदि पूर्वजों जैसा जीवन जी रहे हैं, जो उनको हमारी इस दुनिया से अलग करता है। वो लोग विकसित तो नहीं है, लेकिन खुद अपने आप में एक बड़ी सभ्यता है और अपने जंगल में अपने नैसर्गिक जीवन के साथ खुश है। अमेज़न के कई भाग तो इतने लंबे और घने वृक्षों से घिरे हुए हैं कि वहां तक सूरज की किरणें भी नहीं जा सकती, और इन जगहों पर इतने जहरीले इंसेक्ट होते हैं कि जिसके एक दंश मात्र से इंसान मर जाए। अमेज़न के जंगल में बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां, हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां और अविश्वसनीय पेड़ है। ये जंगल पूरे दुनिया की मौसमी आबोहवाओं पर असर करता है। इस विशाल जंगल में इतनी सारी नैसर्गिक चीजें पाई जाती है कि उनको अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बाजारों तक पहुंचाया जाता है। विज्ञान के अनुसार अमेज़न की कई वनस्पतियों की स्पीशीज पिछले 50 लाख सालों से अपना अस्तित्व टिकाए हुए है। उनका ये भी दावा है कि अगर पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो सन 2100 के आसपास पृथ्वी का वातावरण बेहद गर्म हो जाएगा। लेकिन इस परिस्थिति में भी अमेज़न के ये पेड़ पौधे और वनस्पति अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। अमेज़न के जंगलों में उसका दूसरा खजाना अमेज़न नदी है, जो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। ये नदी लंबाई में नाइल के बाद विश्व की दूसरे नंबर की नदी है, लेकिन पानी की क्वांटिटी के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसका जलप्रपात किसी सागर से कम नहीं है। अमेज़न रिवर में लगभग 100 से भी ज्यादा सहायक नदियां आकर मिलती है। ये नदी का जलप्रपात कई जगह तो इतना है कि एक किनारे पर खड़े रहकर आप उसका दूसरा किनारा भी नहीं देख सकते। कुछ जगहों पर तो इस नदी के दो किनारे के बीच की चौड़ाई 140 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अमेज़न रिवर में मछलियों की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। कई खतरनाक बड़े सांप और अजगर होते हैं, और कई सारे दूसरे जीव भी पाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में अमेज़न नदी के भूगर्भ में लगभग 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड में और एक नदी बहती है। आज मानव सभ्यता भले ही कितनी एडवांस हो, फिर भी वो हमारी पृथ्वी के ही कई ऐसे रिमोट एरिया है वहां पर आज तक नहीं पहुंच सकी। पृथ्वी के कुछ दरियाई भाग, कई सारी गुफाएं, कई पहाड़े और खाइया, और इस अमेज़न जंगल के कई भाग ऐसे हैं जहां तक आज भी हमारी नजर नहीं पहुंच सकी है। इस गुत्थी को आप प्रकृति का एक करिश्मा भी कह सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हेल्दी और नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहे। आपकी मंगल कामनाओं की आशा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक